कि आप भी अपने व्हाट्सअप के बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से आप फ़ोटोज़ लगाना चाहते हैं, किसी की फ़ोटो लगा सकते हैं, अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की या अपने दोस्त की या अपने घर में कोई भी सदस्य जिसकी भी आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं दोस्तों, आसानी तरीके से आप लगा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग देखने में लगता है। दोस्तों अगर आप भी इस तरह से अपने व्हाट्सअप के बैकग्राउंड में फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो वीडियो को एंडिंग तक ज़रूर वॉच करना है। और आप किस तरह से लगा पाएंगे तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट बॉक्स में नाइस ज़रूर लिख देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आपको क्या करना है, इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर चलना था, चलिए दोस्तों प्ले स्टोर पर चलते हैं। दोस्तों जैसे प्ले स्टोर को ओपन करेंगे उसके बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है डिज़ाइनर टूल। दोस्तों जैसे आप डिज़ाइनर टूल सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको ऐप देखने को मिलेगा, तो सिंपली इसको आपको डाउनलोड करना है, इसकी मदद से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी मैंने पैलेट से डाउनलोड करके रखा है, तो चलिए मैं उसी ऐप को यहाँ पर ओपन करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों आपको डाउनलोड कर लेना है और ओपन करना है। दोस्तों जैसे आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको पेजेस शो करेगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ परमिशंस मांगता है, तो उनको सभी को आपको अलाउ कर देना है। दोस्तों जैसे आप परमिशंस को अलाउ कर देते हैं, कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन इधर साइड में मिल जाता है मॉकअप ओवरली का, ये इधर, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पोर्ट्रेट पर ऑप्शन मिलेगा एक लैंडस्केप कंपनी का, स्केप का। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरह से अगर लगाना चाहते हैं तो लैंडस्केप पर क्लिक किया है, यहाँ पर पोर्ट्रेट पर करना है तो इस तरह से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने से ऑलरेडी पहले से फ़ोटो लगा के रखा था, तो यहाँ पर ये आपको प्लस का आइकन मिलेगा इस पर, तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों जिस भी गैलरी से आप जो भी अपनी फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बैक आना है, और दोस्तों मैंने पहले से ऑलरेडी करके रखी थी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स आपको कर लेनी है। तो यहाँ पर दोस्तों पहले हम इसे ऑन कर देते हैं, ये नोटिफिकेशन मिल रहा है, इसको ऑन कर देना है। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह से फ़ोटोज़ आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से आपको ऊपर नीचे कर लेना है, कस्टमाइज अपने हिसाब से कर लेना, जितना भी आप रखना चाहते हैं तो इधर साइड में आप कर सकते हैं, जितना भी आप साइड में करना चाहेंगे साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कुछ तरह से कस्टमाइज कर लिया है, और यहाँ पर इसका जो कलर है आप चटक भी कर सकते हैं और यहाँ पर स्लो भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसके बाद उसको यहाँ पर इस तरह से कर लेना है और सेटिंग्स कर लेना है, उसके बाद उसको यहाँ पर आपको बैक आना है। बैक आने के बाद उसको अपने व्हाट्सअप को आपको ओपन करना है। दोस्तों जैसे आप अपने व्हाट्सअप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में फ़ोटो दिखाई देगा। तो गाइस देख सकते हैं कितना अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो इसलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों ये फ़ोटो आपको सभी ऐप के अंदर अवेलेबल रहेगी, यानी कि सभी जगह पर आप अलाओगे, गैलरी ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी कोई भी ऐप, यहाँ पर जैसे कि हम अपना इंस्टा यानी कि टेलीग्राम ओपन करते हैं तो टेलीग्राम के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर मुझे ये फ़ोटो देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं टेलीग्राम के बैकग्राउंड में सभी जगह पर ये फ़ोटो अवेलेबल रहेगी, जो भी आप ऐप यूज करेंगे उसके बैकग्राउंड में इस तरह से फ़ोटो देखने को मिलेगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगता है। दोस्तों अगर आपको कैसा लगा तो वीडियो को मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।